हेलो एवरीवन, मैं विपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 19 मार्च 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट जो है वो अभी नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए कंसिडर किया है गवर्नमेंट ने, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो गवर्नमेंट ने जो है अभी एक जो न्यू जो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी एंड द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको फॉर्म करने के लिए कंसिडर किया है गवर्नमेंट ने। और ये जो ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी सीक्स टू फैसिलिट द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ई कॉमर्स सेक्टर। और ई कॉमर्स पॉलिसी का जो एम जो है वो अभी जो कि लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको एम्पावर करना है और मेक इन इंडिया टू सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट टू फैसिलिटेट जॉब क्रिएशन उसको इनकरेज करना है। न्यूली प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो एम जो है वो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, जो मतलब भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो उसके जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बेंच कंस्टिट्यूट इन चेन्नई। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बेंच को जो है अभी चेन्नई में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और इसको जो है चेन्नई में इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है क्योंकि देश के जो साउदर्न जो पार्ट जो है वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फेल हो गई थी, तो इसी वजह से चेन्नई में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। हालांकि दिल्ली जो है वो अभी प्रिंसिपल बेंच के तौर पे काम करेगी। और एज़ पर द नोटिफिकेशन इशूड इन दिस कंटेक्स्ट, चेन्नई बेंच ऑफ एनसीएलटी जो है वो अभी जो कि पटिशन जो होंगे जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, तो उन सभी के जो ऑर्डर्स के खिलाफ जो पेटिशन जो फाइल किया जाएगा उसमें सुनवाई करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, जिसको लोकसभा में हाल ही में पास कर दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को जो है लोकसभा में 17 मार्च 2020 को पास कर दिया गया है। द बिल सीक्स टू अमेंड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। और ये जो है ये अभी जो कि अपर लिमिट ऑफ लीगल अबॉर्शन टू 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वीमेन है उसको इंक्रीज करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है एक जो ऑनलाइन फैसिलिटी जो है चीफ मिनिस्टर के एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के स्कीम को मतलब लाभ पहुंचाने के लिए एलिजिबल लॉयर्स के लिए जो एक जो ऑनलाइन फैसिलिटी है उसको लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। और लॉ डिपार्टमेंट ने जो है अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को मांगा है लॉयर्स से अंडर दिस स्कीम फ्रॉम 21 मार्च 2020। ऑल दस एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, जी जो मतलब एडवोकेट जो दिल्ली में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और रजिस्टर विथ दिल्ली बार काउंसिल एंड एडवोकेट वोटर्स ऑफ दिल्ली जो है वो लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए एबल होंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन टू बी मूव्ड इन राज्यसभा टू रिमूव द वर्ड सोशलिज्म। तो रूलिंग पार्टी बीजेपी मेंबर ऑफ राज्यसभा श्री राकेश सिन्हा जो है उन्होंने अभी एक जो नोटिस जो है टू द चेयरमैन टू परमिट टू मूव अ रिजोल्यूशन उसको जारी किया है इन नोटिस को। और ये जो रिजोल्यूशन जो उसका एम है जो वर्ड जो है सोशलिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक जो वर्ड जो है सोशलिस्ट उसको ड्रॉप करना है इसका एम रिजोल्यूशन का। और रिजोल्यूशन जो है वो ये क्लेम करता है वर्ल्ड सोशलिज्म इज रेडियंडेंट इन द करेंट सिनेरियो। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी एक जो स्टेट मिनिस्टर है ओवर डिस्क्वालिफिकेशन पैटिशन उनको रिमूव किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम के लिए जो है अपनी हिस्टोरी में अपनी हिस्ट्री में मतलब अपने इतिहास में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी मणिपुर मिनिस्टर थोनाओ जम श्याम कुमार सिंह को जो है स्टेट कैबिनेट से मतलब उनको रिमूव किया है। और एपेक्स कोर्ट ने जो है अभी मतलब उनको जो कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली जो विधानसभा जो है वहाँ पे प्रवेश में उनको उनकी रोक लगाई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 सेव ₹12,447 करोड़ पर अनम। तो मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने जो है हाल ही में पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट किया है कि DPCO 2013 ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 जो है वो अभी 12,447 करोड़ रुपीज़ का जो परिणाम जो है उसको सेव करने में हेल्प किया है इसने। और DPCO जो है वो एक ऑर्डर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 इसको इशू किया गया था, मतलब इसको जारी किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सऊदी अरबिया जो है वो अभी एक जो वर्चुअल जो G20 लीडर्स सबमिट है उसको आयोजित करने वाले हैं, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सऊदी अरबिया ने ये अनाउंस किया है 17 मार्च 2020 को कि वो जो है अभी COVID-19 पेंडेमिक को मतलब एड्रेस करने के लिए नेक्स्ट वीक को जो है जो कि G20 नेशंस नेक्स्ट वीक का जो जो वर्चुअल सबमिट है उसको आयोजित करेंगे। और सऊदी अरबिया ने जो है अभी सऊदी अरबिया जो है वो अभी 20 मेजर इकोनॉमीज के जो ग्रुप के जो है करंट चेयर है वो, और जो एक्सटर्नल ऑर्डिनरी वर्चुअल सबमिट है वो अभी जो कि सभी जो G20 नेशंस और एक कॉमन प्लेटफॉर्म के जो लीडर्स हैं उनको एक साथ लाएगा ये वर्चुअल सबमिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल सबमिट। और इसका जो डेट जो है सबमिट का वो अभी तक इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वह पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो आज शाम को पूरे देश को मतलब एड्रेस करने वाले हैं COVID-19 के बारे में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अभी 19 मार्च 2020 यानी कि आज जो है 8 PM को मतलब 8 PM को मतलब 8 बजे रात को वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो है द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू टॉक अबाउट COVID-19 पैंडेमिक एंड द एफर्ट्स टू कम्बैट इट। कोरोना वायरस केसेस जो है वो बढ़ के 166 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं इंडिया में, जबकि 3 लोगों की मौत भी हो गई है इस वायरस की वजह से, और अराउंड 14 पीपल हैव रिकवर्ड एंड दे हैव बीन डिस्चार्ज आफ्टर बींग टेस्टेड नेगेटिव फॉर इट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक जो न्यू जो सैनिटाइजर है उसको साइंटिस्ट ने जो कि IHBT के साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो एक न्यू जो हैंड सैनिटाइजर है उसको भी साइंटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT ने जो है उनके जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है एक न्यू जो हैंड सैनिटाइजर है उसको, और जो कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ये लोकेटेड है। सेवरल जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको भी मतलब अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।